हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्रैक्टिस सेशन की क्लास में। और हम लोग अभी प्रैक्टिस के सेशन में चल रहे हैं, तो इस सेशन में आज की जो क्लास हमारी है वो प्रॉफिट और लॉस की है। आज की क्लास में हमने प्रॉफिट और लॉस से जुड़ी जितनी भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो वैसे सवालों का कलेक्शन है। करीब 30 सवाल हैं, बहुत ही सुंदर सवाल है। सब मिलकर के साथ में इसे करेंगे। और पिछले 2-3 सेशन में भी हमने जैसे अलजेब्रा का क्वेश्चंस कराया, परसेंटेज का क्वेश्चन कराया, वो सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, चाहे वो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स हों या फिर सीएचएसएल की एग्ज़ाम होने वाली है 2-3 दिनों में, उनकी तैयारी जो कर रहे हैं वो लास्ट टाइम पर अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है वो सब चीज़ सीखने के लिए आप इस वीडियोस को फॉलो करिए, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। एक एक करके बारी बारी से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए, पहला सवाल हमारा है आज का क्वेश्चन, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 लाभ कमाता है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। देखिए, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा मार्क प्राइस का है, क्रैमूल का है ना, दोनों चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है कि हमारा सीपी, फिर क्या होता है एमपी, और फिर क्या होता है एसपी, ये तीन चीज़ें होते हैं, आसानी से समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है। 28% की छूट का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की जो वस्तु है वो आप कितना में बेच रहे हो 28% की छूट देने के बाद, तो आप कहोगे सर 72 रुपया में। क्या ये समझ पाए सारे लोग, कहता है और फिर भी 20% का लाभ कमाते हैं। 20% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस था 72 रुपया, अब अगर हम 20% का इस पर लाभ कमाना चाहेंगे, समझिएगा 20% का अगर लाभ कमाना चाहेंगे तो 20% का जो वैल्यू होता है वो 20 × 100 यानी 1/5 होगा, यानी 5 रुपये की, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपये की वस्तु पर हम 6 रुपये का क्या करेंगे, 6 रुपये में सेल करेंगे अगर 20% का लाभ कमाना है तो। लेकिन यहाँ पे तो आपने 72 रुपये में सेल किया है, यानी अगर ये 12 से गुना कर दें इसमें तो ये भी 12 से गुना करना पड़ेगा। क्या ये समझ गया सारे लोग, यानी अब जो हमारा है ये 12×5=60 और ये 12×6=72, क्लियर है। और मार्क प्राइस तो हमारा क्या था, 100 था, ये समझ गया सारे लोग ना। अब आप बताओ, यहाँ से कहता है कि यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 का लाभ प्राप्त करता है, लाभ यहाँ प्राप्त कितने रुपए का कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि 60 से 62 हुआ, यानी 12 रुपये का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 30.80 रुपये का। तो लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य है कितना, 60, यानी कि इतना बटा 12 × 60, यानी 12×5=60, और ये वैल्यू को गुना कर लेंगे, 0 हो गया, 8×5=40, सॉरी फिर 0 होगा ना, 8×5=40 और 5×3=15 और 4×4=154, 154 रुपये का हमारा क्या हुआ, टोटल लागत मूल्य हुआ। क्या ये समझ पाए सारे लोग क्वेश्चन को, कैसे करना था इस प्रश्न को। और भी तरीका हम बताते हैं, एक जो बेसिक चीज़ें थी, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सिंपल तरीके में, सिंपल वे में, जो जैसे चीज़ें दिया हुआ है वैसे चीज़ों को हम अरेंज करते चले गए और हमारा सॉल्यूशन मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। देखिए फिर से समझाते हैं एक बार, क्या हमने किया कि मार्क प्राइस हमारा 100 रुपया था, का 28% की छूट देता है, तो वस्तु को आपने 72 रुपये में बेचा है, बिल्कुल नया लगेगा आपको ये तरीका। कहता है फिर भी 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाने का मतलब ये हुआ कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/5 होगा 20% का, इसका मतलब 5 रुपये की वस्तु पे 1 रुपया का लाभ कमाएगा, यानी 5 की वस्तु को वो 6 में सेल करेगा, लेकिन यहाँ पे तो विक्रय मूल्य 72 रुपये है, तो हम इस 6 को भी 72 रुपये बनाने के लिए 12 से गुना किए और यहाँ भी 12 से गुना किए, तो सीपी से एसपी का जो नया रेशियो हुआ वो 60:72 हुआ। अब यहाँ पे 60:72 का मतलब लाभ 12 रुपये का और क्वेश्चन में लाभ है 30.08 रुपये का, क्लियर है। इसका मतलब यह हुआ कि 12 का जो वैल्यू है वो 30.80 के बराबर है,
तो हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, लागत मूल का, और लागत मूल है कितना 60, यानी 12 से वैल्यू 5 गुना हुआ है, तो ये भी वैल्यू 5 गुना होगा, और 5 गुना करने के बाद 154 हमारा आंसर होगा, ये हमारा लागत मूल था। क्या ये सब समझ गए सारे लोग, ये क्लियर है चीज़ें। अगला सवाल हमारा है कि जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 21% की हानि होती है, 21% का लाभ अर्जित करने के लिए आप इसे कितने रुपये में बेचोगे। तो ये तो बहुत आसान डेटा है हमारा कि अगर 21% की हानि हो रही है, इसका मतलब है कि आप वस्तु को कितना में बेचोगे, तो 79% में बेचोगे। 21% हानि का मतलब होता है कि 100 की वस्तु 21 रुपया कम करके बेचोगे, है ना। अब यही वस्तु आप क्वेश्चन में दे रखा है 355 रुपया में आप बेच रहे हो, तो 21% का लाभ अर्जित करने के लिए, इसका मतलब है कि आप 121% का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो 355 बटा 79 और गुना 121 कर लोगे, आपका क्या मिलेगा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न सभी लोग पढ़ेंगे, और प्रश्न कहता है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा, अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के एक तिहाई के बराबर नुकसान होती वस्तु की लागत कीमत क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे हमारे मेंस के एग्ज़ाम में, एसएससी में। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दो सेलिंग प्राइस है। पहले कहता है कि आपने उसे 480 रुपये में बेचा है, लेकिन अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता, लेकिन अगर आप इसे 400 रुपये में बेचा होता, हमने सीपी कुछ वैल्यू को मान लिया है, तो कहते हैं कि शुरुआती लाभ के एक तिहाई के बराबर नुकसान हो जाती। अगर यहाँ पे शुरुआती लाभ हम ऐसे मान लें कि 3 रुपया हुआ था, क्लियर है, तो इसके एक तिहाई के बराबर यहाँ क्या हुई है, हानि हुई है, और एक तिहाई का मतलब 3 का 1/3 एक होगा, क्लियर है चीज़ें। अब आप बताओ कि हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि लाभ और हानि का अंतर इसके अंतर के बराबर करना होता है। तो 3 और 1 अंतर कहने का मतलब कि लाभ और हानि जुटेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट सैंपल के साथ है, तो 3 और 1 क्या होगा, 4 होगा, और दोनों का अंतर कितना, 80 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना, 20 रुपया, समझ गए। अनुपात में 1 का वैल्यू 20, चाहे आप यहाँ पे 20 रख लो ऐसे, तो इसका मतलब 20 रुपये की हानि, अगर चाहे यहाँ पे 20 रख लो तो 20 या 60 रुपये की लाभ, दोनों बातें हुई हैं। अगर आपसे केवल ये पूछा होता कि कितने रुपये की हानि हुई है, तो आपका जवाब होता 20 रुपये की। अगर आपसे पूछा जाता कितने रुपये का लाभ हुआ है, तो आपका आंसर होता 60 रुपये का। लेकिन आपसे पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, आप खुद सोचो, कहीं से भी निकाल सकते हो कि 400 रुपये में बेच करके आप 20 रुपये की हानि कमाए हो, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 420 रुपया रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या ये आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ना, और ये समझाने के लिए इतना करना पड़ता है, माइंड कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 800 रुपया है, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 800 रुपया है, और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है, यदि 8% का लाभ है तो लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर वस्तुओं के चिन्हित किया गया था। देखिए आसान तरीका है, बिल्कुल बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। आपने हमने अभी आपको बताया था कि सीपी से एमपी का जो रेशियो होगा वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, ये चीज़ें हमने बताया आपको। अब आप बताओ, आपको चिन्हित कीमत दिया हुआ है 800 रुपया, चिन्हित कीमत समझ में आती है ना, मार्क प्राइस जिसे हम कहते हैं, 100 में से डिस्काउंट 19% का डिस्काउंट है, इसका मतलब कितना हुआ, 81% आपका 81 हुआ, और 8% का लाभ है, इसका मतलब 108 रुपया आपका क्या हुआ, यहाँ ये हुआ है ना। तो बोला गया है कि आपको सीपी निकालना है, फिर बताना है कि उस वस्तु से कितना प्रतिशत ऊपर चिन्हित किया गया था, तो सीपी का वैल्यू निकालने के लिए आप 800 से यहाँ क्या कर दो, गुना कर दो, ये 100 रहने देते हैं, 8 से इसको अगर आप काटोगे तो कटेगा कितना बार में, एक बार में, और 8 से कटेगा ये नहीं, रहने दो आप इसको, ऐसे मत काटो, ये 9 से कटेगा है ना, और ये भी 9 से कटेगा, 9 9 81 और 9 और 9 2 18 कट गया, उसके बाद ये कटेगा
तीन तिया नौ और चार तिया बारह, ये कटेगा चार दूनी आठ यानी 200 यानी 600। हमारा जो क्रय मूल्य हुआ वो टोटल कितना हुआ, 600 हुआ, और हमारा जो चिन्हित मूल्य था वो कितना था, 800 रुपया था। आप बताओ कितना एक्स्ट्रा आपने किया, तो आप कहोगे सर 200 एक्स्ट्रा किया, किस पे, 600 पे और गुना 100। इसका मतलब है ये 1/3 होगा और 1/3 आपको पता है 33 सही 1/3% होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्या ये समझ गया सारे लोग, यानी हमें सीपी निकालना था और सीपी निकाल के ये बताना था कि एमपी उससे कितना प्रतिशत अधिक है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, विक्रय मूल्य और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, फिर से, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, इसका मतलब है कि सीपी, एसपी और एमपी का कहानी है। सीपी लागत मूल से 32% अधिक है, मतलब ये अगर 100 है तो ये 132 है, ठीक है ना, और अगर इसे काटना चाहोगे तो ये 2500 और ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 25:33 कहता है कि और वस्तु के अंकित मूल पर दी गई छूट 12% का है। अब इसका मतलब है कि 12% छूट का मतलब समझेंगे यहाँ से, 12% का मतलब 3/25 इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपया अंकित मूल्य है और 3 रुपया आपने क्या किया उस पर छूट दिया है, तो कितना में सेल करोगे, आप कहोगे सर 22 रुपया में सेल करेंगे, यानी 22 की वस्तु को आप कितना में सेल कर रहे हो, तो आप कहोगे 25 में सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको गुना करना पड़ेगा 3 से और इसको गुना करना पड़ेगा, सॉरी इसको गुना करना पड़ेगा 2 से और इसको गुना करना पड़ेगा 3 से सी एस पी को बराबर करने के लिए। तो ये 25 × 50 ये हो गया 22 तिया 66 और ये हो गया 25 × 75। क्वेश्चन क्या है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 50 और 75, यानी 25 × 50 और 25 × 75 2:3। क्या ये समझ गया सारे लोग ना, कुछ नहीं था, बहुत आसान था। हमने क्या किया, सी पी से एस पी का रेशियो निकाला सबसे पहले, जहाँ पे बोला गया था कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 32 अधिक है, तो लागत मूल्य 100 था तो हमने 32 अधिक 132 किया। अब बोला है दोनों का रेशियो हमने निकाला, फिर क्या कहा है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% का है, 12% का मतलब होते हैं 3/25, इसका मतलब 25 रुपये की अंकित मूल्य पे 3 रुपये का छूट दोगे तो 22 में वस्तु को सेल करोगे, तो वही हमने 22:25 लिखा है एस पी से एम पी को। अब लेकिन यहाँ एस पी तो दोनों बराबर वैल्यू देगा, तो 33 और 22 को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से और यहाँ हमने 3 से गुना किया है, तो 25 × 50 66 और 75 मिला। अब 50 और 75 का रेशियो 2:3 हो गया और यही हमारा क्या था, आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न कहते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, फिर भी उसे 23% का लाभ अर्जित करता है, समझ रहे हो, यदि वह वस्तु की बिक्री पर इतना रुपये लाभ करता हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। लगता है ये तो क्वेश्चन पहले जैसा है ना बिल्कुल, कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, फिर भी उसे 23% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह वस्तु के विक्रय पर इतना लाभ करता है। देखिए वही चीज़ें सेम है, सी पी, एस पी और एम पी। कहते हैं कि अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, इसका मतलब है कि 100 रुपये की वस्तु को वो कितना में बेचेगा, 82 रुपया में बेचेगा 18, परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब है कि 100 रुपये की वस्तु को वो 123 में बेचेगा, लाभ अर्जित करने का मतलब। इसको थोड़ा सा आप ऐसे करो, छोटा करो, ये 50 होगा, ये 42 होगा, ये 25 होगा और ये 21 होगा, होगा ना, 21 होगा क्या, नहीं नहीं गलती हो रहा है, ये 41 होगा, ठीक है, सॉरी
ये होगा हमारा 41, ऐसे समझेंगे कि ये होगा हमारा 41 और ये होगा हमारा 50। अब ये देखो आप एस पी को बराबर करना है ना, तो यहाँ 41 को 123 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो ये नया रेशियो जो मिलेगा वो 123 और 50 तरीका 150, ये हमारा सी पी एस पी और एम पी का रेशियो मिल चुका है, ठीक है। अब आप बताओ, क्वेश्चन में कहते हैं कि वस्तु की बिक्री पर 18.40 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ एक्चुअली में यहाँ हुआ कितने रुपये का है, 23 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन में कहते हैं 18.40 रुपये का हुआ है। वस्तु का अंकित मूल्य इस बार पूछा है, तो अंकित मूल्य आप यहाँ से निकाल सकते हो, इतना बटा 23 गुना 150। क्लियर है, 23 से ये ख़त्म होगा, 00 यहाँ है तो इसको ये कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये ख़त्म होगा ना कितना बार में, 8 या 24, 8 बार में और 15 और 20 से 120 रुपये का आपका क्या हुआ, अंकित मूल्य हुआ। पिछले बार में आपसे क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य पूछा था, इस बार आपसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य। क्या ये दिक्कत हो रही है समझने में, बिल्कुल भी नहीं, आसान क्वेश्चन है ये और कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। देखिए प्रश्न कितना सुंदर है, कहता है कि गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा और एक ऊँट, दोनों मिलाकर उतने रुपये में खरीदे, दोनों का वो क्रैमूल दे दिया है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊँट को 20% के हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या थी। कह रहे हैं कि दोनों को आप विक्रय मूल्य समान रखे थे, एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पे। सबसे पहले ये हानि और लाभ का क्या मतलब है, 25% का लाभ कहता है कि आप वस्तु को, 25% का मतलब कहता है कि आप वस्तु को 4 से 5 में बेचोगे, लाभ कहने का मतलब। और 20% के हानि का क्या मतलब है कि आप 5 की वस्तु को 4 में बेचोगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। क्वेश्चन में यहाँ एसपी जो है वो 5 और 4 है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा था कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, तो समान मूल्य करने के लिए यहाँ 4 से गुना और यहाँ 5 से गुना। इसका मतलब ये होगा हमारा, 416 और 525 और ये तो 20-20 हमारा बराबर मिला। समझ गए सारे लोग। अब आप खुद बताओ कि अब हमारे सामने टोटल कितना हो गया यहाँ से, तो आप ऐसे समझोगे कि ये टोटल सीपी है हमारा और ये टोटल क्या है, एसपी है। तो सीपी टोटल कितना हो गया, क्वेश्चन पूछा गया है, रहने दो ऐसे ही, ऐसे ही रहने दो। कहता है दोनों जानवरों को समान मूल्य पे बेचा, इसका मतलब है कि 20 रुपये में वस्तु को बेचा था, प्रत्येक वस्तु को, और कहते हैं कि 20 रुपये में बेचा था। अच्छा, दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं, आसान तरीके से निकल जाएगा। दोनों के क्रय मूल्य इसको छोड़ देते हैं, अभी विक्रय मूल्य का कोई कहानी अब नहीं है, ख़त्म हो गया, बस विक्रय मूल्य को हमें बराबर करना था। दोनों का अगर रेशियो है तो ये 16 और 25 है, इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब कहते हैं कि सस्ते जानवरों का लागत मूल्य, तो सस्ता कौन है, 16 वाला, यानी 16 बटा 16 25, 6 5 41 होगा ना, 41 और गुना 51250। अब इसको काट छाट के आप क्या करो, आंसर लेके आओ, काटना शुरू करें। अगर काटोगे तो सबसे पहले एक बार में काटोगे, क्योंकि यहाँ 41 है, जब एक बार में काटोगे तो आपको क्या दिखेगा, 10 शेषफल के रूप में, फिर 102 रह जाएगा, 10 दिखेगा ना, फिर 102 रह जाएगा, फिर कितना बार में काटोगे, तो 41 यानी 41 दूना यानी कि 2 और 4 दूना 8, फिर क्या दिखेगा, 0 और 2 और ये 5, फिर कितना बार में लगाओगे, 5 बार में, यानी 125 यहाँ मिला, 5 बार में ही लगाएंगे ना, और 16 यहाँ दिखा, या एक जीरो और आएगा यहाँ पे, भाई ये तो 5 हुआ हमारा, 0 हुआ नहीं, 5 हुआ, 0 हुआ और 2 हुआ, एक और 0 है, यानी एक 0 और लगाएंगे। अब जब 16 को 125 से गुना करोगे तो आपको पता है, क्लियर है, आंसर ये हमारा था। समझ में आया, कुछ नहीं करना था इस प्रश्न में, केवल सेलिंग प्राइस को हमने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, आपके आंसर मिल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है ज़रा देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है भाई कि एक
वस्तु पर लाभ 150% है, यानी ऑन अ सर्टन आइटम प्रॉफिट इज 150%। इसका मतलब है कि सीपी अगर 100 था तो एसपी कितना था? आप कहोगे सर 250 था। यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? नया लाभ मार्जिन, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन? अगर कहता है कि लागत 25% बढ़ जाता है तो अगर लागत मूल 25% बढ़ेगा तो ये 125 होगा और वस्तु तो आप 250 में ही सेल करोगे। क्या ये समझ पाए? वस्तु कितना में सेल करोगे? 250 में ही सेल करोगे। इसका मतलब है 125 का वैल्यू 250 हो गया है, दुगना हुआ है, मतलब 100% आपका प्रॉफिट मिला होगा। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है और 4 रुपये में 3 केले बेचता है, परिणाम क्या होगा? ऐसे खूब क्वेश्चन मिले हैं आपको कि एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है। तो सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पे हैं कि एक रुपया है और एक आइटम है, यानी सबसे पहले दो चीज़ों का हम कॉलम बनाएंगे। एक तरफ तो हमारे पास रुपया का कॉलम होगा और दूसरे तरफ हमारे सामने आर्टिकल का कॉलम होगा, है ना? आर्टिकल मतलब वस्तु। कहता है कि एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है, तो 3 रुपये में 4 केला खरीदता है, मतलब सीपी। क्लियर हो गया? फिर कहता है 4 रुपये में 3 केले बेचता है, 4 रुपया में 3 केले बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? अब आपको करना क्या है, यहाँ से दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मतलब सीपी एसपी यहाँ भी लिख सकते हो, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या दिखेगा? 3 3 9 और 4 4 16 दिखा सभी को? 3 3 9 और 4 4 16। इसका मतलब हुआ कि 9 रुपये की वस्तु 16 में आप बेच रहे हो। भाई ये सीपी था, ठीक है, ये एसपी था, तो ये जो है हमारा सीपी है और ये एसपी देगा। 9 रुपये की वस्तु आप 16 में बेच रहे हो तो कितना का फ़ायदा हुआ? 9 7 16, 7 रुपये की फ़ायदा हुआ। किस पे? 9 पे, और गुना 100। आपको पता है 1/9 होता है वो 11.11% का वैल्यू है, और उसमें भी 7 से गुना कर दीजिएगा, 7.77% का फ़ायदा आपको दिखेगा तीसरा नंबर ऑप्शन में, और ये हमारे सामने सही उत्तर था। क्या ये समझ पाए सारे लोग? ऐसे करते हैं, या तो फिर इसको एक केला का पहले क्रय मूल्य निकाल लेते, फिर एक केले का विक्रय मूल्य निकाल लेते, वहाँ से लाभ या हानि निकालते, फिर भी आप फॉर्मूला से कर सकते थे। उतना नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीका है, क्रॉस गुना कर दो, आपका आंसर मिलेगा। आगे बढ़ जाओ, अगले प्रश्न में आते हैं, और अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही बहुत ही अच्छा है। कहता है एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 1,00,000 रुपया में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, यदि वह इसे इतने लाख रुपया में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा सवाल है, और इसको मैंने फिर से इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे सवाल ना बार बार आ रहे थे, हर एक शिफ्ट में आ रहे थे। देख रहे हो, सारे मेंस के सवाल हैं ये, 2017 में पूछा हुआ है। देखो, आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने वस्तु को बेचा है 7.6 रुपया में, सॉरी लाख में बेचा है ना, तो आप देख रहे हो आंसर भी लाख में दिया हुआ है आपसे, ये भी लाख रुपया और ये भी लाख रुपया, तो लाख रुपया कॉमन मान लो कि लाख रुपया है ही नहीं, और लास्ट में आंसर निकाल के लाख लगा दीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा पहला विक्रय मूल्य। कहता है उसे कुछ नुकसान हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ सीपी रहा होगा और आपने बेचा है तो यहाँ कुछ नुकसान हुआ है। कहता है यदि वह इसे 1,00,000 रुपया में बेचता, यानी 9.2 रुपया में अब बेचता, यानी लाख में बेचता, तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता। अगर ये 1 रुपया था तो ये 3 रुपया होता, मतलब हानि 1 रुपये का तो लाभ 3 रुपये का। आपने को हमने बताया कि दोनों का अंतर इस दोनों के अंतर के बराबर कह लो, या तो ये दोनों के सम का इस दोनों के अंतर के बराबर कह लो। तो 3 1 4 का जो वैल्यू है वो 9.2 और 7.6 को इसमें क्या कर लोगे? घटा लोगे, तो 6 6 12 होता है और 8 में से 7 गया तो 1 होता है, यानी 1.6 हो गया 4 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 0.4 हो गया, 3 का वैल्यू तो आप कहोगे सर 3 4 12 होगा ना,
और एक का वैल्यू तो बिल्कुल एक ही रहेगा, यानी 0.4 रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कितने रुपए का लाभ और कितने रुपए की हानि हुई, तो आप कहते कि सर 1.2 लाख का लाभ हुआ और 0.4 लाख रुपए की हानि हुई है। अब आपसे पूछा है वस्तु का क्रयमूल, आप कहीं से भी निकाल लो वस्तु का क्रयमूल मिल जाएगा। आप यहीं से बताओ कि 7.6 लाख रुपया में अगर आप वस्तु को बेच रहे थे और इतने रुपए की आपको हानि हुई, इसका मतलब आप वस्तु को खरीदे कितने रुपए में थे, तो दोनों को जोड़ देंगे और हमारा निकल जाएगा क्रयमूल 8 रुपया, मतलब 8 लाख, ऑप्शन नंबर 4। क्या क्लियर है ये चीज़ें? ना कोई डॉट तो नहीं रह गया ना इसमें, बिल्कुल आसान है ये। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी कुछ शायद वैसा ही है जैसा अभी हमने आपको कराया था। क्या कह, ये सवाल भी वैसा ही है, देखिए कितना सुंदर है। एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और 7 रुपये में 6 केले बेचता है। बिल्कुल बैक क्वेश्चन है हमारा कि सीपी में हमने आपको बताया था कि एक तरफ रखना है आपको आइटम और एक तरफ रखना है प्राइस का वैल्यू। तो सबसे पहले प्राइस लिखते हैं और उसके बाद उसका आइटम लिखते हैं, क्लियर है। फिर कहते हैं 7 रुपये में 6 केले, 7 रुपये में 6 केले का मतलब है कि यहाँ रुपया और यहाँ केले, ये सेलिंग प्राइस है। अब क्या करना है, दोनों का क्रॉस गुना करके लिख देना है, यहाँ पे लिखना है। तो 7 को 7 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 49, 6 को 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 36। अब 49 रुपये की वस्तु को आप 36 रुपये में बेच रहे हो तो आपको लॉस हो गई ना, कितने रुपये की लॉस हो गई? तो आप कहोगे कि सर 6 3 9 और 4 1 4 में से 3 गया, 13 रुपये का लॉस हुआ है। किस पे, 49 रुपये पे और गुना 100। ये वैल्यू का आप इसका आप क्या करोगे, आंसर कर लोगे और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ लाभ दे रहा है ये गलत है, हानि होगी आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न फिर से हमारा ऐसा है कुछ, कहता है कि किसी वस्तु का विक्रयमूल 816 रुपये है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे सवाल भी आपने करा है, बहुत अच्छा से करा है। देखो आप ऐसे समझो इस चीज़ों को कि 15% की छूट दी जाती है, 15% की छूट दी जाती है ना, 15% का छूट का मतलब क्या हुआ कि आप वस्तु को कितना में बेचोगे। तो आप कहोगे कि सर ये 15% का छूट देने का मतलब हम वस्तु को 85% में बेचेंगे, और 85% का ही वैल्यू क्वेश्चन में 816 दे रखा है। कहता है यदि 25% की छूट दी जाती, इसका मतलब है कि यदि 75% का छूट दिया जाता तब हम कितने में बेचते हैं, तो 816/85 × 75, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए काटते हैं इसे, 17 5 85 और 15 5 75, और 17 से ये कटेगा, 17 4 68 और 6 कितना में आता है, 8 7 56, ठीक है। यानी 15 8 82 हाथ में 12 और 15 4 60 और 12 कितना, 72, 720 रुपये का। क्या ये समझ पाए सारे लोग ना, बिल्कुल आसान था। देखो अगर कहीं डेटा गलत दिया हुआ है ना, तो हो सकता है आंसर नहीं मिले या आंसर में कुछ ये हो, लेकिन जो तरीका है करने का वो आप सीखने की कोशिश करो। हो सकता है ये 720 ना हो, हो सकता है यहाँ पे कोई वो वाली आंसर ही ना हो, हो सकता है यहाँ पे जो ये 816 है वो 85 से कटता ही नहीं हो पूरा का पूरा, तो ये चीज़ अलग बात है। बट जो तरीका है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, तरीका बिल्कुल एक होता है और वो चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया ना, बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, देखो अगला प्रश्न है कि एक जो भी मद्य आइटम है वो 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिसे 15% का लाभ होता है, इस मद का लागत मूल्य। अरे ये तो बिल्कुल आसान है, मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15% का लाभ होता है, आप बेच कितना में रहो 7130 रुपया में, तो सबसे पहले 15% का लाभ होता है तो 115 रुपये, 115 ज़्यादा बड़ा डेटा लग रहा है। आप ऐसे समझो कि अगर 15% हमारा है तो इसका वैल्यू 3/20 होगा। क्या क्लियर है चीज़ें, इसका मतलब 3/20 हमें लाभ हो रहा है ना, 3 रुपये का 20 रुपया पे, इसका मतलब है कि 23 रुपया में आप वस्तु को बेच रहे हो और क्वेश्चन में है 7130 रुपया। आपसे पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य तो हमारा 20 रुपये का है, यानी इतना 23 × 20, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो एक छूट गया ये, ओ सिट। चलिए इसको गुना क्या करें हम,
20 से गुना कर दीजिए, आपका क्रैमूल निकल जाएगा, क्योंकि क्रैमूल ये था हमारा। अब आप बताओ ये वैल्यू कटेगा, 23 को कितना बार में आप काटोगे, तो तीन बार में काट दो ना, तो तीन बार में जब काटोगे तो निकलेगा हमें कितना, 63 69 69 जब काटेंगे तो, यानी तीन बार में कट गया सबसे पहले। फिर कितना बार में कटेगा, ये एक बार में कटेगा, और फिर कटेगा हमारा जीरो बार में। क्लियर है, यानी 310 गुना 20 यानी कि 31 गुना 62 और 00, ये हमारा है वस्तु का लागत मूल्य। कितना आसान है ये ना, कि हमारे सामने और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन जैसे आपको सुविधा हो, जिस तरह से आपको आसानी हो, वो आप क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में क्या है हमारा, ये कहते हैं कि दो उत्तरोत्तर 40% तक का प्रतिशत छूट के बराबर होगी। मतलब कहते हैं कि 40% और 40% का दो छूट देंगे तो उसका एकल छूट कितना होगा, यही प्रश्न है। बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, सीखते हैं इसको कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो दो उत्तरोत्तर छूट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे समझो, एकल छूट बताना है आपको, तो 40% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर 2/5 होता है, ठीक है। यानी छूट कहने का मतलब 5 रुपये की वस्तु को आप 2 रुपये की छूट दोगे तो कितना में बेचोगे, 3 में बेचोगे। सेम चीज़ें दोहराना है, दो छूट देना है, यानी 5 रुपये की वस्तु फिर से 3 रुपये में बेच रहे हो, और अब एकल निकालना है तो 25 रुपये की वस्तु 9 रुपया में बेच रहे हो। क्लियर है ना, इसका मतलब है कि 100 रुपये की वस्तु 9 25 400 होता है ना, तो 9 4 36 यानी 36 रुपये में बेच रहे हो। तो बताओ भाई, 100 रुपये की वस्तु 36 रुपये में बेच रहे हो, तो 64% का छूट आपने दिया। एक तरीका तो ये था हमारा करने का। क्लियर है, ये चीज़ें समझ रहे हो सारे लोग ना, कि अगर हमारे सामने ऐसे उत्तरोत्तर छूट का वैल्यू पूछा जाए तो हम सक्सेसिव तरीका लगा लेते हैं, और सक्सेसिव में आपका आंसर मिलता है। अगर कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया है, उनको फॉर्मूला ही रटना है, तो उसके ऊपर भी हम आते हैं। आपने दो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट और डिक्रीज का आपने वैल्यू पढ़ा होगा, कि हमारे सामने अगर दो वैल्यू होता है तो आप अगर कोई दो वैल्यू है और उसका सक्सेसिव इंक्रीजमेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a+b × a+b + ab/100। अब यहाँ a और b में क्या होता है कि वो साइन पे डिपेंड करता है, कौन सा वैल्यू बढ़ रहा है और कौन सा वैल्यू घट रहा है। यहाँ पे दो उत्तरोत्तर छूट कहने का मतलब है कि दोनों वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब -40, ये भी -40, और माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि जो प्लस है, ये जो प्लस है वो दोनों के साइन का मल्टीपल है। तो यहाँ पे 40 × 40/100 करेंगे। क्या ये समझ गए सारे लोग ना। अब आप बताओ भाई यहाँ से, कि अगर हम इस वाले वैल्यू में माइनस को कॉमन निकाल लें, माइनस का क्या मतलब होता है वो भी बताएंगे, तो ये 40 + 40 - 4 16 100/100, ये बना हमारा तरीका। ये परसेंट लगा देंगे अंतिम में, तो 40 40 कितना होगा, 80 होगा, और माइनस 00 से 00 16 ख़त्म हो गया, तो 80 में 16 घटाओगे 64%, ये -64% है। -64% का मतलब हुआ कि 64% की छूट हो गई, ये हमें बताना है। 64% का माइनस कहने का मतलब हुआ कि 64% का क्या है, छूट है, ये समझना था बातों को। इसके बाद अगर ये चीज़ों को आप अच्छे से समझो, अच्छा ये क्लियर हो गई चीज़ है ना, कि ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको, कि अगर हमें डिस्काउंट की बात करता हो तो वो चीज़ें उस जगह पे आप ये वाली फॉर्मूला आप लगाओगे। ये हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा, जब आप इस चीज़ों को करना चाहोगे तो, है ना। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का लगाओ और इस तरह से भी आंसर कर सकते हो, या सक्सेसिव वे में भी आप उसका आंसर कर सकते हो। समझ गए, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, कहता है 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत इतने रुपये है, जिसमें से विक्रय मूल्य पर 5% का टैक्स भी शामिल है, उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है। देखिए कितना सही सवाल है ये, टैक्स भी देना है आपको विक्रय मूल्य पे। सबसे पहले बताओ यहाँ से, कि अगर 20% की छूट दे रहे हो तो वस्तु को कितना में बेच रहे हो, 80% में बेच रहे हो,
ठीक है, 5% का कर भी दे रहे हो, किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो सबसे पहले 80% का 5% कितना होगा ये बताओ। तो आप कहोगे सर 80% का 5% जो होगा 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 8 होगा, 5% कितना होगा तो 4 होगा। क्लियर है ना, 80 का 5% कितना होगा 4 होगा, यानी 4% ये हमारा हो गया। यानी 80% तो पहले था ही हमारा सेलिंग प्राइस, और 4% का हम उसमें टैक्स भी दिए हैं। लेकिन देखो कह रहे कर भी शामिल करते हैं, तो अब 80 और 4 को जब शामिल करेंगे तो कितना होगा 84%, ये हमारा विक्रय मूल्य है। लेकिन कहते हैं कि आपने किसी वस्तु का कीमत है कितना छूट देने के बाद, तो वो है 3024 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है ना, 100% का वैल्यू बता दो, तो इतना बटा 84 गुना 100, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप बताओ यहाँ से, अच्छा यहाँ पे 4 है ना, 4 है, तो आप ये बताओ कि 4 से ये 4 कटेगा तो दो ही कंडीशन में कट सकता है, या तो एक बार, क्योंकि 4 को अगर एक बार पढ़ोगे तब 4 मिलेगा, या 4 को 6 बार पढ़ोगे तब 4 मिलेगा, समझ रहे हो, और तो कभी नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब है कि इकाई अंक पे 6 रहना चाहिए 0 के बाद, क्योंकि 0 भी तो है, 0 कटेगा नहीं, तो यही एक ऑप्शन है जिसमें 6 है, बाकी ना तो यहाँ दिखा और ना ही यहाँ दिखा। क्या ये समझ पाए हमने क्या कहा, फिर से समझाते हैं, समझिएगा। 20% की छूट के बाद आपने वस्तु का कीमत इतना रखा है, मतलब इतना में आप वस्तु को बेचोगे। कहता है कि 80% 20% की छूट के बाद आप वस्तु को बेचोगे, 20% का छूट है तो वस्तु को 80% में बेचोगे ना, और 5% का टैक्स भी तो शामिल करना है विक्रय मूल्य का, तो 80% का यानी 80 का 5% 4 होता है, यानी 80 और 4 को शामिल करेंगे तो 84 होगा, और यही वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य है। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है 100% का मान बता दो, चलो यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सारे लोगों को ना, क्वेश्चन कहते हैं कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% तक की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 है तो विक्रय मूल्य बताना है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर मूल्य जो है 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। देखिए तीन चीज़ होती है, बार बार हम कह रहे हैं CP, MP और SP। कहते हैं कि वस्तु पर 120% बढ़ाकर अंकित करता है, इसका मतलब है कि 100 रुपये की वस्तु था और वो 220 रुपया मार्क प्राइस बनाया होगा। 30% तक की छूट देते हैं, छूट कहने का मतलब होता है भाई 3/10, 30% का मतलब यानी 10 रुपया अंकित मूल्य था और 3 रुपये की छूट देगा, यानी 10 रुपये की वस्तु को वो कितना में बेचेगा 7 में, यानी 10 रुपया हमारा MP था और SP 7 रुपया था। MP यहाँ है कितना, देखिए 220 है, तो MP को 220 बनाने के लिए 22 से गुना, तो यहाँ भी 22 से गुना कर लो ना, 22 गुना 7, 7 दुना 14 और 7 दुना 14, 22 = 154। क्लियर हो गया, तीनों का रेशियो मिल चुका है। कहता है अब आप बताओ यहाँ से, सबसे पहले इस चीज़ों को हम समझेंगे। कहता है लागत मूल्य 750 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बताइए ना, लागत मूल्य है कितना 100, इसी का वैल्यू तो 750 रुपया दे रखा है, तो विक्रय मूल्य 154 का मान क्या होगा। क्लियर है, यानी 750 100 154। अब इस चीज़ों को हम हटा रहे हैं यहाँ से हटा दें इस चीज़ों को। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया, 2 5 10 और 15 5 75, 2 से ये ख़त्म होगा, 2 7 14 और 2 7 14 यानी 7 5 35, ऐसे 15 7 हाथ में 10 और 15 7 10 और 105 और 10 115, यानी ये 11 55 हमारा क्या था उत्तर था इस प्रश्न का, जो आपका चौथा नंबर में दिख रहा है। क्या ये समझ में आया सभी को, तीन चीज़ है बस, CP MP और SP, इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, आप सब कुछ निकाल के अलग कर दोगे। क्वेश्चन है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, लाभ बताओ। ये तो बहुत आसान हो गया, मेंस का ही सवाल है आपका। आपका क्या है यहाँ से कि लागत मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है। अगर ये समझेंगे कि 20 का वैल्यू अगर 100 हो जाएगा तो 21 का वैल्यू 105 हो जाएगा, इसका मतलब 5% का लाभ हो गया, कुछ नहीं करना था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कहते हैं
कि डिनर सेट का मूल्य इतना रुपये अंकित किया जाता है, ग्राहक इसके लिए इतना रुपये अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में दो छूटें दी जाती है, छूट की प्रथम दर 15% है तो छूट की दूसरी दर क्या है? ये कितना अच्छा सवाल है। हमारा कहते हैं कि अंकित मूल्य है 1500 रुपया, पहले कुछ छूट दिया गया है, अच्छा छूट की प्रथम दर है, ऐसे समझ लो आप कि छूट की प्रथम दर है 15%, तब आप वस्तु को अच्छा ग्राहक को इसके लिए इतना अदा करना पड़ता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में दो छूटें दी जाती है तो छूट की प्रथम दर, छूट की दूसरी दर, यहाँ पे 15% के छूट देने के बाद कुछ रहा होगा, फिर इस पर 1% की छूट देंगे, तब आपको कितना फाइनली देना पड़ेगा? 1173 रुपया। बताना है कि यही वैल्यू कितना है, क्लियर है? तो सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं आपको कि इस तरह से जब डिस्काउंट दिया जाता है तो क्रम का कोई वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, इंपॉर्टेंट रोल नहीं रह जाता है कि पहले 15% या पहले 1%, समझ लो आप। अगर आप बताओ 1500 रुपये का 15% का छूट दोगे तो आप वस्तु को कितना में बेचोगे? तो आप कहोगे कि सर 15% का अगर हम छूट देंगे तो आप वस्तु को 1500, और छूट देने के बाद कितना में बेच रहे हो आप वस्तु को? तो आप 85 में बेच रहे हो, 00 हो गया, 15 × 85 यानी 15×75 और हाथ में 7, 15×8 120 यानी 1275 रुपया में बेच रहे हो। अब इस पर 1% का छूट दे रहे हो तो आप इतना में सेल कर रहे हो, इसका मतलब हुआ कि आप अब वस्तु को इतना में सेल कर रहे हो। अब आप बताओ कि कितना आप डिस्काउंट दिए, तो यहाँ से 2 रुपये का 102 रुपये का डिस्काउंट दिया, किस पे दिया? 1275 रुपया पे, और गुना 100 20 25 100, और इसको 5 से काटेंगे, 5 × 10 25 25 25, फिर 4 5 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 और 51 ये कटेगा 2 बार में, 4 × 8 रुपया यानी 8% का क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। ये करने का पहला तरीका था इस प्रश्न को कि हमारे सामने 1500 रुपया था, 15% का छूट दिए तो वस्तु को आपने 1275 रुपया में बेचा, फिर उस 1275 रुपया पे कितना परसेंट का छूट दोगे कि वस्तु 1173 रुपया में बिक जाए? तो दोनों का अंतर निकाल करके, और ये हमारा मार्क प्राइस के जैसा काम करेगा, बटा मार्क प्राइस गुना 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा। ये पहला तरीका था, सक्सेसिव तरीका से भी आप इसे निकाल सकते थे कैसे, वो भी हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे अभी। ये समझ में आया? मिटा दे इसको ना। चलिए देखिए सक्सेसिव तरीका से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो छूट है, 15% का और 1% का। 15% का मतलब हो गया कि 3/20 यानी 20 रुपये की वस्तु को 3 रुपये पे छूट दोगे तो आप कितना में बेच रहे हो? तो कहोगे सर 17 रुपया में बेच रहे हैं, यही कहोगे ना। दूसरी बात क्या कर रहे हो कि हमें दूसरा छूट नहीं पता है लेकिन वैल्यू एक्स से बाई हो चुका है। अब ये हमारे सामने एमपी है और ये हमारे सामने एसपी है, तो अंकित कितना रुपया है? 1500 रुपया, और विक्रय मूल्य 1173 रुपया। यहाँ से क्या करेंगे कि हम ये दोनों को जब गुना करते हैं तो ये मिलता है, और ये दोनों को जब गुना करते हैं तो ये मिलता है। 100 और 22 का रेशियो निकाल लेंगे, वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है। ये बात समझ गए? या तो आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू को गुना करके देख सकते हो कि 20 का कितना गुना 1500 है और 17 का कितना गुना 1173 है, वहाँ से भी हम चीज़ों को निकाल लेंगे। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य समान रहता है। देखो कहते हैं कि एक वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा जाता है, 32% का मतलब 8×32 25×100 यानी 25 रुपये की वस्तु को 33 रुपया में बेचा जाता है। कहते हैं यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, लागत मूल्य का 20% का मतलब कितना? 25 का 20% कितना? तो आप कहोगे सर 5 होगा, 25 का 20% 5 होगा ना, यानी ये वैल्यू अब कितना हो गया? 30 हो गया है, और विक्रय मूल्य समान रहता है, ये जो है वो समान रहता है, तो लाभ प्रतिशत 3/30 × 100 सही है, और विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य तो वही है। एक वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा जाता है, चलो अगर ऐसे समझ लो 100 की वैल्यू को 132 में बेच रहे हैं, कहाँ गलती हो गई? तो यदि लागत मूल्य 20% की वृद्धि हो गई, ये 120 हो गया,
और विक्रयमूल समान रहती है, विक्रयमूल यही रहता है। तो 120 से 132 कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 12 रुपए का फ़ायदा हुआ। किस पे, 120 पे और गुना 100, बिल्कुल वही चीज़ तो है यहाँ पे, यानी ये जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गया और ये से ये ख़त्म हो गया, यानी 10% का फ़ायदा हुआ। ये ऑप्शन आना चाहिए, क्लियर है ना। यहाँ भी वही चीज़ें आ रही थी, समझ रहे हो, डाटा गलत हो सकता है, मेथड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, कहते हैं कि सुधीर ने 20%, 12.5% और 5% की तीन लगातार छूट के साथ एक कुर्सी खरीदा है। ये सीडेस का क्वेश्चन है, वास्तविक कटौती बताइए। अब बताओ, तीन तीन छूट दे रखा है और एकल छूट बताना है। यहाँ पे आपको हमने जो सक्सेसिव बताया है बहुत ही शानदार यूज है उसका। अब फॉर्मूला आप केवल दो के लिए लगाना अच्छा होगा, बिल्कुल आप सक्सेसिव लगाओ, 3, 4, 5, 6 रहे कोई डरने वाली बात नहीं है। समझो कि 20% का अगर आपके पास डिस्काउंट है तो 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये की छूट दे करके 4 में बेच रहे हो। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 8 रुपये की वस्तु को 1 रुपये की छूट देकर 7 में बेच रहे हो, और 5% का मतलब 1/20 होता है, 20 रुपये की वस्तु को 1 रुपया छूट दे करके 19 रुपया में बेच रहे हो। एकल छूट बताना है। ये हमारा जो वैल्यू है वो एमपी का है और ये जो वैल्यू है वो हमारा सेलिंग प्राइस का है। अब कोई वैल्यू कुछ हो नहीं रहा है, आप आसानी से गुना करो। अच्छा, ये वैल्यू कट रहा है तो काट देंगे ना, क्योंकि रेशियो का वैल्यू लास्ट में तो कट ही जाना है। 5 × 10 = 200 हो गया। ये 20 को 7 से कर लो 140 और 20 घटा दो, यानी 140 हो गया ना, ये 7 घटा दो ना, 140 में 7 घटा दो तो 133, 133। ये अब आप बताओ कि हमें कटौती कितने की हुई है। अगर ये 100 रहा होगा तो 2 से भाग करेंगे इसमें तो होगा हमारा कितना, 2, 7, 6 × 12 और 5 66, 100 से, यानी 100 रुपये की वस्तु को 66 में बेच रहे हो तो 33.5 रुपये का आप छूट दोगे। एकल छूट कितना के बराबर, 20%, 12.5 और 5%। इसका मतलब हुआ कि 20, 12.5 और 5 तीन छूट दोगे तो एकल छूट उस पर 35% 33% के बराबर जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है 2000 रुपये की खरीदारी पर दिए जा रहे हैं 30% के एकल छूट और 25% और 5% के दो क्रमिक छूट। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल का सवाल है हमारा और ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कहता है 2000 रुपये पे पहले एक बार 30% का छूट दिया गया है, फिर कहते हैं 25% और 5% के दो और छूट दिए गए और उनके बीच का अंतर। तो सबसे पहले 2000 रुपये पर अगर 30% का छूट दिया जाता है तो कितने रुपए का छूट होता है, तो आप 20 का यानी 30 का 100 यानी 00 यानी 600 रुपये का, कोई दिक्कत, 600 रुपये का छूट होगा। अब कहता है 25 और 5 का दो छूट, तो 25 + 5 कितना, 30, यही बताया था ना, और माइनस 25 × 5/100 यही हमने आपको बताया था, यानी 25 × 5 = 125 यानी 1.25 घटा दो 30 में, यानी ये तो हमारा होगा 75, ये तो होगा 75 और ये 29 में से एक गया 28.75 किसका, 2000 रुपये का 28.75। तो ये तो ख़त्म कर देगा 2000 रुपया, 2000 का 00 से 00 हो गया और 20 से गुना होगा 28.75 का, अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे समझेंगे 25% और 5% का दो क्रमिक छूट के बराबर छूट के बीच का अंतर क्या है, 30% और 25 और 5%। तो पहले ऐसे समझो कि अगर 2000 रुपया है उस पर 25% का छूट दिया जाएगा तो वस्तु को वो 25% का छूट और 5% का छूट, 00 से 00, 10 से 10, 5 × 10 = 200 ख़त्म हो गया, 25 आ रहा है यहाँ पे, यार कहीं गलती हो रही है क्या। सबसे पहले तो 25 और 5 का दो एकल छूट, तो 25 + 5 और 25 × 5 यानी 25 और 100 1.25 हो गया, तो 28.75 होगा, यानी 28 से 30 सही है, 28.75 और 30%,
का कितना हो गया वैल्यू, यानी कि ये हो गया 2000, ऐसे समझेंगे। और 30% का और 28.75 का अगर अंतर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 1.25 ही तो है, यानी 1.25, ऐसे समझ लो आप। तो ये हो गया यहाँ पे 00, ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, और 20 को 125 से गुना करेंगे तब ये होगा 25 × 50, यानी 5 × 10, 2 × 4 = 5, और ये 250। देखो यहाँ पे अब आंसर आ रहा है 250 और यहाँ पे 25 लिख रहा है। तो करने का तरीका बिल्कुल आसान है, आपको ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे 00, अब हो सकता है कहीं पे पॉइंट रह गया हो या कहीं पे कुछ रह गया हो, उसके लिए दिक्कत नहीं है, तरीका बिल्कुल एक है। यानी हमने क्या करा कि 30% और पहले 25 + 5% का हमने दोनों का डिस्काउंट निकाला है, और उसके बाद जो अंतर आया था उसको 2000 से गुना कर दिया, उतना ही का अंतर मिलेगा। या फिर ये भी तरीका हमारा करने का क्या था, बिल्कुल सही था कि आप यहाँ से पहले 2000 का वो निकाल लेते, 2000 का इतना वैल्यू, लेकिन ज़्यादा हो जाता उससे अच्छा है कि आप दोनों के अंतर के बराबर निकाल लेते, हमारा 250 आंसर होता। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न क्या है देखो, कहते हैं 175 अनानास बेचने पर 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा होता है। देखो कितने अच्छे सवाल है, कहते हैं क्या कहते हैं समझोगे यहाँ पे, क्या कहता है भाई समझेंगे। कह रहा है यहाँ से कि हमें 175 अनानास बेचने पर 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर फ़ायदा होता है। इसका मतलब है कि अगर एक एसपी का वैल्यू 1 रुपया, तो 175 अनानास का वैल्यू कितना रुपया, 175 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 175 होगा। ये तरीका पहला है, 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर फ़ायदा होता है, यानी प्रॉफिट है जो भी हमारा कितना है, प्रॉफिट है वो भी हमारा 50 है, सही है ना। अब कहते हैं कि लाभ का प्रतिशत बताओ, तो अब बताओ अगर सीपी निकालना हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये वैल्यू को हमने बेचा है इतने रुपए का फ़ायदा लेकर के, तो क्रैमुल जो हमारा रहा होगा 125 रुपया रहा होगा, और हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, यानी 50 × 125 × 100, क्लियर है समझ गए। ये 25 × 25 से होता है, और ये 20 × 25 होता है, 25 × 50 होता है, और 20 × 40 होता है, क्लियर है सभी को ना, समझ में आ गई। एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, ये मिटे समझ गए, बहुत आसान था। हमने एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लिया, तो हमें विक्रयमूल और लाभ पता चल गया, क्रयमूल निकाल के लाभ प्रतिशत निकाल दिए। एक तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का वो समझेंगे, एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आपसे बोला क्या है कि 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर फ़ायदा होता है, लाभ होता है ना, तो लाभ होता है किसके बराबर, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ किस कंडीशन में होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस मतलब कॉस्ट प्राइस, तभी तो फ़ायदा हमें पता चलेगा। और 175 रुपये का सेलिंग करना है आपको, तो 175 एसपी माइनस 175 सीपी। अब ये चीज़ें हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है जितना वस्तु खरीदते हो उतना ही वस्तु के बेचने पे लाभ और हानि हमें निकलता है। अब आप बताओ भाई, एसपी यहाँ भी है और एसपी यहाँ भी है, इधर अगर आके हम घटाएंगे तो 125 एसपी होगा, और ये इधर जाएगा तो 175 सीपी होगा। सीपी से अगर हम एसपी का रेशियो निकालना चाहेंगे तो 125/175 होगा। अब ये ख़त्म होना है ना, इसे ख़त्म तो होना ही है, कितना ख़त्म होना है, तो आप कह दोगे सर ऐसे निकाल लो ना, ये 25 से कटेगा, तो 25 × 25 = 125 और 25 × 9 है ना, 25 × 9 = 150 और 25 × 7 = 25 यानी 5 का वैल्यू 7, यानी 5 क्रैमूल और 7 विक्रैमूल, तो 2 का फायदा 5 × 100, 20 × 40 आंसर हो गया। क्या समझ गया, ये भी तरीका हमारा हो सकता था। आगे बढ़े और ये देखिए प्रश्न है हमारा, कहते हैं यदि 5 टी शर्ट की खरीद पर 2 टी शर्ट मुफ्त में पेशकश की जाती है। आप लोग मॉल जाते हो तो होता है ना, buy 1 buy 2 get 1 free वाला कहानी, वही कहानी यहाँ बिल्कुल है कि अगर आप 5 टी शर्ट खरीद कर 2 टी शर्ट मुफ्त देने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक टी शर्ट पर प्रभावी छूट कितना है।
प्रभावी डिस्काउंट बताना है, इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है, तो बिल्कुल आसान है। कितना मुफ्त दे रहा है? दो टी शर्ट। कितना पे? तो आप कह रहे हो सर पाँच पे, तो पाँच गुना सौ 40% प्रभावी छूट हो गया। समझ गए? कितना मुफ्त दे रहा है ऊपर में, कितना आपने ख़रीदना था, पाँच गुना सौ हो चुका है हमारा और ख़त्म हो चुका है। तो ये जो सवाल थे हमारे, कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे सवाल जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और ये एक लेवल को देख के किया गया है, चाहे वो सीजीएल हो, सीजीएल मेंस की एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल वाली हो, एनटीपीसी वाली हो, ग्रुप डी वाली हो, बिहार एसएससी वाली हो, दरोगा वाली हो, कोई भी, उनके लेवल को देख करके क्वेश्चन को रखा गया है, जिससे उनको भी समझ में आए, उनको भी कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले टॉपिक, अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ ऐसे ही आपके लिए लेकर के आएंगे बहुत ही अच्छे सवाल। तब तक के लिए आप बने रहना, लोगों को वीडियो शेयर करो, और लाइव जो भी क्लास चलती है आप लोग जुड़िए सभी लोग टीचर्स के साथ, और धन्यवाद।